हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार इस टाइम पे भाई साहब जापान में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। एक्चुअली वो इसलिए कि जब से कोरोना खत्म हुआ, पहले तो 2-3 साल को जा नहीं पाया, फिर जैसे ही एंट्री यहाँ की ओपन हुई तो इतने सारे स्टूडेंट आ गए, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डेली के आने लगे कि अब जो कॉलेज इंट्रोड्यूस करता था जॉब के लिए ना अरबाइतों के लिए, उनके पास अरबाइतों है ही नहीं। तो 4-4 महीने से स्टूडेंट बैठे हुए हैं यार, उनको अरबाइतों नहीं मिल रही है। और मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, एक्चुअली मैंने कुछ लोगों की हेल्प वगैरह किया था, दिलाया था उनको अरबाइतों वगैरह, उन लोगों ने ही एक दूसरे को बताया कि यार इस बंदे को कॉल करो, ये अरबाइतों वगैरह दिला देता है। तो यार सबको तो दिला नहीं सकता, और उसमें ये भी होता है कि आप थोड़ी लैंग्वेज भी चाहिए होती है। अगर आप जापान आना चाहते या फिर आप जापान में हो, अगर आपको अरबाइतों नहीं मिल रही, तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप बिना किसी की हेल्प से आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अरबाइतों, और जरूर मिल जाएगी। और जॉब कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करता हूँ वो आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो शायद कुछ पता ना लगे तो फिर मत बोलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये पार्ट टाइम जॉब से। एक्चुअली जब से यार देखो कोरोना आया 2019 से, उसके बाद में सब कुछ बंद ही हो गया था। तो जैसे ही फिर वीजा वगैरह ओपन हुआ, तो ये जापान एक ऐसी कंट्री थी कि सबसे लास्ट में इन्होंने अपने वीजा वगैरह ओपन किया स्टूडेंट को। अब जब ओपन किया तो वहां पे भाई साहब इन्होंने बोल दिया कि 10,000 एवरी डे स्टूडेंट आ सकता है। तो जो 2.5 साल से पहले पेंडिंग थे और जो न्यू इनटेक के स्टूडेंट थे वो सारे मिक्सअप हो गए, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की प्रॉब्लम आने लगी। अब पार्ट टाइम जॉब का सीन ऐसा होता है कि जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर 100% जॉब आपका स्कूल ही दिला देता है, स्कूल इंट्रोड्यूस करा देता है। बट इस टाइम पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट होने के पास स्कूल वालों के भी पास जॉब नहीं बची, क्योंकि यहाँ पे 1-2 स्कूल है नहीं, सारे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तो एक ही कंपनी में 4-4, 5-5 स्कूल वाले अपने स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे भी अब स्कूल के पास अरबाइतों के लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए वैकेंसी रह नहीं गई। अभी लोग यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने से स्टूडेंट बैठे हैं जिनको की अरबाइतों नहीं मिल रही है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आता है, और जिन लोगों को मैं दिला सकता हूँ यार दिला देता हूँ, क्योंकि यार सब लोगों को नहीं दिला सकता, और जिन लोगों को नहीं दिला पाता मुझे रिग्रेट भी फील होता है कि यार मैं हेल्प नहीं कर पाया। उसके लिए एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं जहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह की जरूरत पड़ती है, और इस टाइम जितने भी स्टूडेंट आए ना, तो कोरोना की वजह से किसी ने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, तो लैंग्वेज वगैरह किसी की भी अच्छी नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अब जैसे इस टाइप से आपका स्कूल इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो फिर लोग अपनाते हैं कि कोई अगर आपका यार फ्रेंड करता है जॉब कहीं पे, तो आप उससे बोल सकते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट इस टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ होने के चक्कर में कहीं पे भी किसी की भी जो भी इंट्रोड्यूस करता वो कहीं पे बात किसी की बन नहीं रही। तो इस तरह से भी आप ट्राई मार सकते हैं, क्या पता बन जाए, जो नेक्स्ट स्टेप है जिससे कि आप जॉब ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भरी पड़ी हैं, आप किसी भी कंसल्टेंसी में जाके आप बोल सकते हैं जो कि आपको इंट्रोड्यूस करती है, बट उनके पास लेबर टाइप की ही जॉब होती है, और स्कूल भी ऐसे ही जॉब दिलाता है, तो आप उनसे भी बोल सकते हैं। अब वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लोग एक काम मिलता नहीं है पर 2-2, 3-3 काम करने के लिए सोचते हैं, तो फिर जो 2-2, 3-3 काम करता है तो फिर तो यार वैकेंसी कम होएंगी। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इस टाइम पे, तो वहाँ से भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन 10-15 दिन में 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट मिलते हैं, वहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो इस टाइम पे दिक्कत आ रही, नहीं तो वहाँ से भी जॉब काफ़ी लोग करते हैं और वहाँ से भी जॉब मिल सकती है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे जापान में हैं, तो आप एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं। देखो एक कन्वीनियंस स्टोर होता है और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो कन्वीनियंस स्टोर वगैरह में आप तो कॉल से पूछ सकते हैं, तो उससे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनके ऑनलाइन पोर्टल वगैरह सभी ने, जितने भी ये फैमिली मार्ट, 7-Eleven, लोसन है, ये ऑनलाइन भी अप्लाई होता है। आप गूगल में सर्च करिए, वहाँ से आप एरिया वाइज आप वहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब जो रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते कॉल से, या आपको विजिट करना होगा, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे अरबाइतों चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। देखो हर रेस्टोरेंट में ना 1-2 बंदे की नीड होती है, और ये लोग अप्लाई नहीं करते ऐसा, वो सिर्फ 2-3 जो मैंने बताया, तो यार फ्रेंड से बोलते हैं या फिर वो जो हाकिन होती कंसल्टेंसी वहाँ से अप्लाई करते हैं। ये तीसरा जो एक कन्वीनियंस स्टोर वगैरह है, इसमें लोग ट्राई मारते हैं,
पर ये रेस्टोरेंट वगैरह में कोई जाता नहीं, अपने आप कोई पूछता नहीं है, वो सोचता है कोई इंट्रोड्यूस कर दे, तो इंट्रोड्यूस करेंगे तभी जब कोई जॉब करेगा। तो आप वहाँ से भी जाके आप जाइए, उनसे बात कीजिए, अगर आप उनके पास जॉब होगे तो 100% आपको रखते हैं। और वहाँ पे हैंड कैश जॉब अवेलेबल होते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हैंड कैश जॉब कैसे ढूंढें, तो आप हैंड कैश जॉब ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। अगर आप पहले भी अगर जॉब कर रहे हैं, दूसरी जॉब करने के सोच रहे हैं हैंड कैश वगैरह, तो आप ऐसे ही रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए। जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, बड़े रेस्टोरेंट, हर जगह ये ज़्यादातर हैंड कैश ही देते हैं। या फिर जैसे आप मैकडी है या फिर ये डोमिनोज वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी फॉरनर जॉब करते हैं, तो आप इनसे कॉल वगैरह से पूछ सकते हैं, तो वो आपको अगर होगी तो बता देंगे। और जो मैं आपको इस टाइम पे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये तरीका भी कोई नहीं ट्राई मारता, और अगर ट्राई मारोगे आप तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। तो एक तो देखो होता है कि यहाँ पे ना कन्वीनियंस स्टोर या कहीं पे स्टेशन में जाओगे ना, तो होम टाउन करके एक बुक पड़ी होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है, आप वहाँ से भी कॉल कीजिए, वहाँ से मिल सकती है। या फिर आप गूगल में कुछ भी डाल सकते हैं, हैंड कैश जॉब या जॉब नियर बी पार्ट टाइम जॉब, वहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो कि सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, इनका कोई वो नहीं होता, मतलब ऑफिस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन हैंडल करते हैं। और बहुत से हैं कि जो कि ऑफिस भी हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे सिर्फ डाली इतनी सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो देखो कुछ नहीं ज़्यादा करना, आप किसी भी ब्राउज़र में कुछ भी लिख दीजिए कि पार्ट टाइम जॉब इन जापान या फुकुओका या हैंड कैश जॉब। आप कहीं पे भी रहते हैं उस सिटी का नाम डाल सकते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ हैंड कैश जॉब नियर मी, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे इतनी सारी वेबसाइट आ जाती है नीचे, देखो ये नीचे भी आ रहा है पार्ट टाइम जॉब फॉर फॉरनर नियर फुकुओका निहोनर बाइतो, ठीक है। तो ये बहुत सारी आ जाती हैं, अगर और आप कोई कंडीशन डालेंगे तो बहुत सारी आ जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये जो ऊपर आ रही है ना, इसको करके दिखाता हूँ, इसमें करूँगा, क्योंकि ये माइनबी है। ये माइनबी का जो साइट है ना, ये एक्चुअली फुल टाइम पार्ट टाइम सभी तरह के इनके पास फॉरनर के लिए जॉब होती हैं, और ये बहुत फेमस है जापान में। इनके एड्स वगैरह बहुत हर जगह लगे रहते हैं, ट्रेन में, बस में या कहीं पे पब्लिक प्लेस में, कि आप सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके और वो ऑलवेज ट्रांसलेट जो है ऑप्शन उसको ओपन करके रखना, क्योंकि कोई भी यहाँ की जितनी भी वेबसाइट है सारी की सारी जैपनीज में मिलेंगी। अब यहाँ पे जैसे ही आता है देखो ऊपर लिखा है रिगाकुसेई अरबाइतो, तो ये पेज आपको ऐसे ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो लुक फॉर ए पार्ट टाइम जॉब, तो यहाँ पे आप अगर कोई स्पेशलिस्ट हैं आईटी वगैरह से करते हैं तो आप उसको ऑप्शन के चूज़ करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्लेस वाला ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर तरह की जॉब इसमें आ जाएगी। अब इसमें आपको करना है कि आपका एरिया कौन सा है, तो जैसे कि मैं अगर रहता हूँ फुकुओका में, तो मैं यहाँ पे नीचे बिल्कुल जाऊँगा, तो यहाँ पे आ रहा है हकाता नागासाकी ओकिनावा, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ हकाता। अभी हकाता से नीचे जैसे करोगे तो यहाँ पे देखो फुकुओका प्रीफेक्चर आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करें, और इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं ये आगे ओपन होता है, ठीक है। देखो ये पूरा पेज ट्रांसलेट हो गया। अब मैंने ये एरिया वाइज इसलिए बोला कि एरिया वाइज जितनी भी जॉब होंगी ना करंटली वो सारी आपको ओपन होंगी। अब ये रिकमेंडेशन में जैसे जाता है, तो अभी देखो नीचे एक जॉब आ रही है स्टिकर अप्लीकेशन पैकिंग ETC रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेली, ये पेमेंट डेली पेमेंट है इसमें, डबल वर्क वेलकम, नो रिज्यूम रिक्वायरमेंट, मैनी जॉब्स सच वन डे शॉर्ट टर्म। अब देखो ये इस तरह से काफ़ी सारी जॉब्स नीचे आ रही हैं, सबसे ऊपर वाली करता है, ठीक है। मैं ये वाली देखो ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैंने इसे जैसे ही क्लिक किया अब ये नेक्स्ट पेज में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में जैसे ही गया तो अब देखें यहाँ पे सैलरी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, हावरली बेस 1050 एन से लेके 2200 एन तक हावरली बेस है, देख लो इतना ज़्यादा कौन पैसा देता है भाई। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस टेम्परेरी स्टाफ, ठीक है, शिफ्ट वन डे और मोर पर वीक, मतलब एक मिनिमम वन डे आपको जाना पड़ेगा। वर्क लोकेशन कुरमे सिटी फुकुओका प्रीफेक्चर, फुकुओका सिटी प्रीफेक्चर जहाँ पे मैं रहता हूँ ये तो वहीं का है यार, तो तोशू सिटी सागा भी है, मतलब काफ़ी जगह ये तीन प्लेस में है, कुरमे सिटी फुकुओका प्रीफेक्चर और फुकुओका सिटी में, ये तीन जगह पे है, ठीक है। अब ये है फेस टू फेस, ये इंटरव्यू के लिए बता रहा है कि फेस टू फेस आपको जाना पड़ेगा।
अब देखिए एक्सरसाइज निशितेश तेंजुन ये पूरी डिटेल लिखी है, इसको पढ़ना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ये टाइम जोन वगैरह सब कुछ लिखा है। अब यहाँ से अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो ये अप्लाई ऑनलाइन है और देन उसी के बगल में डिस्प्ले फ़ोन नंबर है, तो अगर आप अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो सीधा अप्लाई होगा, या फिर यहाँ का अगर आप डिस्प्ले फ़ोन नंबर पर जाते हैं ना तो यहाँ पर जैसे कॉल 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 लिखा है, तो हम कॉल नहीं करेंगे, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताता हूँ। तो ये देखो अप्लाई ऑनलाइन, इस पर जाना है और देखो यहाँ पे अपनी डालनी है डिटेल, ठीक है। तो ये सब मैं सेव करके रहता हूँ पहले से, तो आप भी रख सकते हैं। तो ये जैसे मैंने सब कुछ रखा, ठीक है, अब यहाँ पे ये ओके, अब ये फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे रिमार्क्स में ये सब है, आप कुछ भी इसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, जॉब के बारे में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, अब ये क्या इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना है, क्लोवर सपोर्ट लिमिटेड कुरमे सिटी, या मतलब किस प्लेस में आपको जॉब चाहिए, तो आप यहाँ से ये तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये नीचे बोलेंगे सब ब्लू कलर का, इसको आपको मोस्ट कॉमन करना है, तो इसको आप टच कीजिए, ठीक है। ये जाएगा नेक्स्ट पेज। अभी नेक्स्ट पेज में इसका यही है कि आपको कंफर्म करना है कि आपने सब कुछ अपनी डिटेल सब कुछ फिल किया सही से या नहीं किया, बस इसको करके अब यहाँ पे कर दो अप्लाई विद दिस कंटेंट। अब इसको सीधे हमने किया अप्लाई, तो ये जॉब अप्लाई हो गई। यहाँ पे देखो लिख के आ गया, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, प्लीज़ बी श्योर टू चेक द एप्लीकेशन कंप्लीशन ईमेल सेंड फ्रॉम माय नवी बाइट। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट अप्लाई। ओके, ऐसे ही बहुत सारी साइट हैं जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इनका रिप्लाई भी आता है, कॉल भी आता है। मैं भी बहुत ट्राई करता था और कॉल्स आते थे, सब कुछ आता था, बट मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था तो मैंने कभी फिर इनसे गया नहीं। बस इसमें आपको क्या चीज़ एक ध्यान देने, आप जब भी कोई किसी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे उसमें एक बार आपको साइन इन करना पड़ता है आप अपनी ईमेल आईडी नंबर वगैरह से, वो ध्यान देना। वो माइनवी में जो अभी मैंने अप्लाई करके दिखाया उसमें भी, और किसी भी आप डालेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपको डालना पड़ता है, स्टेशन वगैरह आपको डालना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कौन से स्टेशन आपके नियर बाई पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी कंपनी में जब जॉब करता है तो वहाँ पे कन्वेंस वगैरह मिलता है, तो इसलिए उसका डालना ज़रूरी होता है। यार आपने देखा कि आप इस तरह से जॉब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका जो ऑनलाइन मैंने बताया ये बहुत कम लोग इसको ट्राई करते हैं, और ट्राई करोगे तो ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता नहीं होती, और पता होती है तो कुछ लोग बस वही आलसीपन कर जाते हैं, तो वो जॉब फिर मिलती नहीं है, वो ट्राई नहीं करोगे तो मिलोगे कैसे। ये तरीका ज़्यादातर जापानीज लोग यूज़ करते हैं और वो अच्छी जॉब भी उनको मिल जाती है और वो करते हैं। ये सिर्फ जापानीजों के लिए नहीं होता, ये जापानीज और फॉरेनर बहुत से तो स्पेशल ऐसे हैं कि जो कि फॉरेनर है, जो कि मैंने अभी माइन अभी आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ ये टोटल इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होता है उनके लिए ये साइट है, और वहीं से पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो मैंने तरीका बताया आपको ये ज़रूर आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, अच्छी नहीं बट थोड़ा सा कन्वर्सेशन लेवल अगर अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।